उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विनोद गुमवर के संयुक्त नेतृत्व में माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा निकाली गई ऐतिहासिक भारत जोड़ो पदयात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में शामिल होने के लिए जिला व महानगर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता अम्बेडकर पार्क थाना सिविल लाइन पर एकत्रित हुए और यहाँ से पदयात्रा का आरम्भ हुआ, जो की जैन मंदिर होते हुए कंपनी बाग में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर पदयात्रा का समापन हुआ। विनोद गुमवर ने और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पदयात्रा का समापन किया। इसी को लेकर विनोद नंबर का कहना है कि ये पदयात्रा लगातार 2024 तक होती रहेगी। जितनी भी बेरोजगारी है और सरकार फर्जी आंकड़े दे रही है उसके खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोला है। 2024 में निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इनके पास मंदिर का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। अगर इन्हें राम मंदिर बनवाना था तो ये खुद करते, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। और अगर ये एक साथ एक चुनाव को ला रहे हैं तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को बंद करें। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम विनोद गुमर है। आज परम श्रद्धे परम आदरणीय युवाओं के हर दिल अजीज और आने वाले कल के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी ने जो पैदल पद यात्रा निकाली थी उसको आज पूरा एक साल हो गया, और उस एक साल के उपलक्ष्य में जो शक्ति और ऊर्जा उन्होंने हमें एक साल में कार्यकर्ताओं को दी है उसके रूप में आज हमने एक छोटा सा ट्रायल दिया है, और ये पद यात्रा ये लगातार 2024 तक होती रहेगी। और ये पद यात्रा का मतलब ये है कि हम लोग किसानों के बीच में पहुँचें, हम लोग छात्र छात्राओं के बीच में पहुँचें, हम लोग नौजवान साथियों के बीच में पहुँचें, हम लोग जो आजकल अधिवक्ता लोग हमारे भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनको पुलिस द्वारा बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है उनके बीच में पहुँचें, और जितनी भी यहाँ पर बेरोजगारी है सरकार के जो मतलब ये फर्जी आंकड़े दे रही है उसके खिलाफ हम लोगों ने अपना मोर्चा खोला। 2024 में निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाएंगे और हमारे परम आदरणीय श्रद्धे युवाओं की धड़कन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस प्रकार से ये हिंदू मुस्लिम के बीच में ये पार्टी को बंटवाना चाह रहे हैं, आप वहाँ से आइए और देखिए कि कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं। हिंदुओं में जितनी जाति हैं उसमें सब सारी की सारी जाति के लोग यहाँ पर हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं, ब्राह्मण हैं या जितनी भी जातियाँ हैं, और ऐसे मुसलमान भाइयों में जितनी भी मुसलमान में जातियाँ सब यहाँ हैं। हमें ये तोड़ नहीं सकते, ये खुद टूट जाएंगे। इनके बाद और कुछ है ही नहीं ना, इन पर कुछ नहीं है। मंदिर का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, और कोई मुद्दा है ही नहीं। और अगर ये हिंदुओं की बात करते हैं मंदिर की, तो हमसे बड़ा हिंदू कौन है? इनमें तो कोई हिंदू है तो हमसे बैठ के वो कर ले, डिबेट कर लेना। हमसे बड़ा हिंदू कौन है भाई? ये हमें आपस में मतलब लड़वा नहीं सकते। ये एक बात सुनिए, ये इनका नवल, अगर राम मंदिर का इनको ज़्यादा था ये खुद करते ना आदेश। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। अब इसके लंबे के बीच में हम नहीं जाना चाहते। ये जो खेल खेल रहे हैं वो खेल पूरा नहीं होगा। अभी आपने मेयर के चुनाव हुए, रिजवान कुरैशी को बहुत अच्छे वोट मिले। अब पूरा निकाल के देखिए 30,000 से ऊपर हिंदुओं का वोट पड़ा है। लोग इनसे निराश हैं। हो गया जो इन्होंने जो करना था वो कर लिया। अब ये 2024 हमारे कांग्रेसियों की, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की है। ऐसा जोश है आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, ऐसा जोश कभी नहीं। ये मतलब आज करा ले, और अगर ये एक साथ एक चुनाव की जो ये वो ला रहे हैं तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग करें। इनकी अगर नीयत साफ है तो उत्तर प्रदेश सरकार को भंग करें और वो भी उसके अंदर जोड़ें।